अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। नंबर सिस्टम की वीडियो सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि हम देखेंगे कि आदाद की दर्जेबंदी किस तरीके से की जाती है मुख्तलिफ अकसाम में। और साथ ही साथ हम आज के इस टॉपिक में और एक चीज़ इंक्लूड करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स, आदाद के खसूसियात क्या होते हैं उनके बारे में भी मालूम हासिल करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसके बिना पर कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नंबर्स देखते हैं, यानी कि आदाद के मुख्तलिफ अकसाम देखते हैं, जैसा कि तबई आदाद है, मुकम्मिल आदाद है, सही आदाद है, नातिक आदाद है, गैर नातिक आदाद है और हकीकी आदाद है। इनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात तो हमें पहले से ही है, लेकिन फिर भी और एक बार हम आज इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और नातिक और गैर नातिक आदाद के दरमियान कुछ जो फ़र्क होता है और वहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि कॉन्सेप्ट बहुत यानी कि कन्फ्यूजिंग होता है, उसको हम देखते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे। आदाद की दर्जेबंदी के तहत आने वाले कुछ आदाद के नाम ये हैं, जो कि है तबई आदाद, मुकम्मिल आदाद, सही आदाद, नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद। चलिए अब हम इनके बारे में एक एक से डिटेल में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है तबई आदाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एन से। तो ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यूजुअली आप देखते हैं कि जब हम कोई भी गिनती करते हैं तो काउंटिंग करते हैं तो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 से, तो वही हमारे नेचुरल नंबर्स है, तबई आदाद है, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से और वो लामुतना ही होते हैं, मतलब कि कभी ख़त्म नहीं होते। तो ऐसा सेट कहलाता है नेचुरल नंबर्स का सेट। अगर हम इस नेचुरल नंबर्स के सेट में यानी कि तबई आदाद के सेट में अगर हम ज़ीरो को शामिल कर देते हैं, तो वो बन जाएगा हमारा मुकम्मिल आदाद का सेट, जो कि होगा सेट अंडर द सेट, हम जिसे हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यानी कि लाम उतना ही, ये भी आदाद का सेट ख़त्म नहीं होता। तो मुकम्मिल आदाद का सेट ऐसा सेट होता है जो कि सिफर से शुरू होता है और लाम उतना ही होता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों में फ़र्क देखेंगे कि सिर्फ ज़ीरो का फ़र्क है, जो कि है एडिट किसके अंदर है, वो है होल नंबर्स के अंदर, यानी कि मुकम्मिल आदाद के अंदर ज़ीरो है। तो तमाम तबई आदाद मुकम्मिल आदाद होते हैं, ये एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि हमें ये बिट्स के अंदर बहुत काम में आएंगे, ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं हमें बिट्स के अंदर बहुत काम में आएंगे। तो यहाँ पर मुकम्मिल आदाद का सेट भी कंप्लीट हो गया। अगर हम मुकम्मिल आदाद के सेट के अंदर जो कि 0, 1, 2, 3 सो ऑन है, अगर हम ये तो सारे मुस्बित आदाद हैं यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर हम इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं यानी कि मनफी आदाद अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो वो सेट हो जाएगा सही आदाद का सेट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। तो इंटीजर्स कैसा सेट होगा नंबर्स का? ऐसा सेट होगा नंबर्स का जिसके अंदर नेगेटिव यानी कि मनफी आदाद होते हैं और मुस्बित आदाद होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और साथ ही साथ जीरो होता है। तो इसका सेट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, अंडर द सेट हम लिखते हैं, यानी कि ये माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है। यहां पर हम लिखेंगे -2, -1, 0 और 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं कि इसके मिडिल में जीरो है और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड नेगेटिव यानी कि मनफी आदाद होंगे, और ये भी लाम उतना ही सेट होता है। तो ये थे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का डेफिनेशन। अब चलिए बढ़ते हैं, ये नातिक आदाद क्या होते हैं और गैर नातिक आदाद क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको बारीकी से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिट्स में इसके ताल्लुक से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल डेफिनेशन दे देता हूँ नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यूजुअली हम कहते हैं कि ऐसे आदाद जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं, इनको हम नातिक आदाद कहते हैं, और ऐसे आदाद जिसको हम पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, वो गैर नातिक आदाद कहलाते हैं। ये तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जाने वाले हैं, उसके अगर थोड़े से एग्जांपल्स ले लेंगे हम, तो वो हो जाएंगे 1/2, 3/4 सो ऑन, ऐसे पी बाई क्यू जो कि फ्रैक्शंस होते हैं, जो कसर की शक्ल में होते हैं, वैसे आदाद रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। बट क्या ये नेचुरल नंबर जैसे कि हम एक लेंगे 2, क्या वो भी रैशनल नंबर है?
एक अगर हम तबाई आदाद लेते हैं दो, क्या वो भी रैशनल नंबर यानी कि नातिक अदद होगा? जी हाँ, वो भी एक नातिक अदद होगा, क्योंकि हम दो को लिख सकते हैं दो बटा हुआ एक। तो सारे नेचुरल नंबर्स यानी कि तबाई आदाद या सारे मुकम्मिल आदाद और यहाँ पर इंटीजर्स, ये सब नातिक अदद होते हैं। ये भी एक जुमला आप याद रखिए, ये स्टेटमेंट। क्या नातिक आदाद के अंदर p by q यानी कि 1 by 2, 3 by 4 कसर की शक्ल के अलावा भी और आदाद भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं? जी हाँ, आशारिया के आदाद भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसको समझने के लिए एक यहाँ पर का नंबर हम लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। चलिए लेते हैं 1 by 2 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 1 को डिवाइड करना है 2 से, सो ये डिविजिबल नहीं है तो हम 0 पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 फाइजा 10 हो गया, तो ये हो गया कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1 बाई 2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 यानी कि एक आशारिया आदद है, पॉइंट्स वाला आदद है, डेसिमल है, इसको भी डेसिमल्स को भी हम नातिक आदद के अंदर इंक्लूड करते हैं। कैसे? इसके अंदर कुछ शर्त है, यहाँ पर डेसिमल्स भी 3 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहली शक्ल हमने देख ली है, यहाँ पर जबकि हमने 1 बाई 2 किया तो 0.5 डेसिमल आ गया। चलिए मैं और एक एग्जांपल यहाँ पर जोड़ देता हूँ, 1/3। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखते हैं क्या आएगा। 1/3 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो 3 और यहाँ पर 1, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 डिविजिबल नहीं है, तो हम लेंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लेने से ये 10 हो जाएगा। देन 3 3 9, देन 10 - 9 इज 1, पॉइंट लिया है हमने, तो और एक 0 ले सकते हैं। फिर 3 3 9, देन और यहाँ बाकी एक बच गया, देन अगेन 3 3 9, सो यहाँ पर और एक बाकी बच गया। तो आप देख सकते हैं कि ये डिवीजन चलते ही जा रहा है, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बाकी 0 नहीं आ रहा है, तो ये डिवीजन रिपीट होगा। तो इसका मतलब है कि 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.333, तो इसको ये आ जाएगा 0.3 बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो डिवीजन कुछ अलग है, यानी पे यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो 0.5 था और यहाँ पर जो आंसर आया वो 0.3 बार था, यानी कि 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे आशारिया जो कि ख़त्म हो जाते हैं उनको हम कहते हैं मुख्ततिम आशारिया। क्या कहेंगे हम इसे? मुख्ततिम आशारिया। और ऐसे आशारिया जो कि ख़त्म नहीं होते बल्कि वो रिपीट होते हैं उन्हें हम कहेंगे गैर मुख्ततिम। मुख्ततिम के माने हैं एंड होना है, मुख्ततिम के माने एंड होना है, इसीलिए ये 0.5 जो है उसे हम मुख्ततिम आशारिया कह रहे हैं। और यहाँ पर जो 0.3 बार है जो कि एक आशारिया है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे गैर मुख्ततिम, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है और साथ ही साथ ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसे मुतवाली कहेंगे। तो ये जो 0.3 है वो हो जाएगा गैर मुख्ततिम और मुतवाली, गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारिया हो जाएगा। तो हम नातिक आदाद के अंदर पी बाई क्यू वाले आदाद यानी कि पी बाई क्यू की शक्ल वाले आदाद 1/2, 3/4 ऐसे कई सारे भी इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ ही साथ दो तरीके के आशारिया इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। वो कौन से हैं? पहला जो कि मुख्ततिम आशारिया है जो कि एंड होता है, और दूसरे आशारिया जो कि एंड नहीं होते बल्कि वो रिपीट होते हैं जो कि है गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारिया। तो ये आशारिया भी हम नातिक आदाद के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से नातिक आदाद के अंदर पी बाई क्यू शक्ल वाले आदाद भी आ गए और साथ ही साथ मुख्ततिम आशारिया भी इसके अंदर आते हैं, मुख्ततिम आशारिया और साथ ही साथ गैर मुख्ततिम मुतवाली, गैर मुख्ततिम और मुतवाली आशारिया भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये हो गया नातिक आदाद का सेट। अब देखते हैं कि गैर नातिक आदाद का सेट क्या होता है। तो जैसा कि यूजुअली डेफिनेशन उसका ये होता है कि जिसको हम पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, तो ऐसे कौन से आदाद हैं जिसको हम पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आशारिया में ऐसे आशारिया होते हैं जो कि ख़त्म होते हैं, और यहाँ पर ऐसे आशारिया जो कि ख़त्म नहीं होते बल्कि रिपीट होते हैं। तो कुछ ऐसे भी आशारिया होते हैं जो कि जो कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो कि ना तो वो ख़त्म होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं, तो उनको हम
इसके अंदर गैर नातिकादात के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखिए कि मैं एक आशारे लिख रहा हूँ 0.23145 3 so on। तो यहाँ पर इस आशारिया के अंदर कोई पैटर्न नहीं है, यानी कि कोई यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे आशारिया को हम गैर मुख्ततिम यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है और गैर मुतवाली कहेंगे क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशंस पर आप गौर कीजिए, ये जो टर्म्स आए हैं गैर मुख्ततिम आशारिया, गैर मुख्ततिम मुतवाली, और यहाँ पर जो है वो है गैर मुख्ततिम और गैर मुतवाली। तो हम पी गैर नातिक अदद के अंदर हम ऐसे आशारिया को इंक्लूड करते हैं जो कि गैर मुख्ततिम होते हैं, यानी कि वो ख़त्म नहीं होते और साथ में वो रिपीट भी नहीं होते, तो इसलिए वो गैर मुतवाली होते हैं। तो आशारिया के तहत हम इन दो आशारियों को नातिक अदद के अंदर इंक्लूड करते हैं और ये जो आशारिया है जो कि गैर मुख्ततिम गैर मुतवाली है इसको हम गैर नातिक अदद के अंदर इंक्लूड करते हैं। और गैर नातिक अदद के अंदर जज़र वाले आदाद भी आते हैं, जैसा कि √2 है, √3 है और √7 है, √5 है और कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। क्या √4 भी इसके अंदर आएगा गैर नातिक अदद के? जी नहीं, √4 एक कामिल मुरबा है, 4 एक कामिल मुरबा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका √2 हो जाएगा। तो वो 2 हमारे तबई आदत का भी हिस्सा होगा, मुकम्मिल आदत का भी हिस्सा होगा और वो एक नातिक अदद भी होगा। तो इसके अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ते हुए दूसरे रूट्स गैर नातिक अदद के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अब सबसे आखिर में हम देखते हैं कि हकीकी आदाद किसे कहते हैं। तो हकीकी आदाद एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नातिक और गैर नातिक आदाद होते हैं जिसको हम R से डिनोट करते हैं। वो एक रियल नंबर का सेट होता है जिसके अंदर नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद इन दोनों तमाम आदाद के सेट को मिलाकर हकीकी आदाद का सेट बनता है। जब नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद का सेट का जमा या इजमा रियल नंबर्स यानी कि हकीकी आदाद जब कहलाता है, तो क्या रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स के अंदर भी वो यानी कि शामिल हो जाएंगे। चलिए बताइए कि जो पाई है वो एक नातिक अदद है या एक गैर नातिक अदद होता है? जैसा कि आपको मालूम है कि पाई की वैल्यू जो है वो हम लेते हैं 22/7। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक पी बाई क्यू की शक्ल है, तो आप बोलेंगे कि ये एक नातिक अदद है, क्योंकि हमने सीखा था कि नातिक अदद के अंदर पी बाई क्यू वाले शक्ल वाले आदाद आते हैं। बट ऐसा नहीं है, पाई एक गैर नातिक अदद है, पाई एक गैर नातिक अदद है। क्यों? क्योंकि जो ये 22/7 है जो है वो इसकी तखमीनी कदर है, यानी कि उसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं वहाँ पर जो कि है 3.14 वो यहाँ पर एंड नहीं होती बल्कि वो यहाँ पर जारी रहती है। उसकी यानी कि वो जो आशारिया है, जो पाई की कदर का आशारिया जो है वो ना ही ख़त्म होता है और ना ही रिपीट होता है, तो ये हो जाएगा गैर मुख्ततिम और गैर मुतवाली, तो जिसको हम इंक्लूड करते हैं गैर नातिक आदाद के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी टॉपिक के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, यानी कि आदाद की खसूसियात क्या होते हैं। इन खसूसियात से हम बखूबी वाकिफ होते हैं या उनका हम यूज़ करते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चलिए एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि बंदिशी खासियत आदाद की। तो मिसाल के तौर पर अगर हम मुकम्मिल आदत के अंदर अगर हम लेंगे कोई दो आदत, यानी कि ए और बी, ए और बी कोई मुकम्मिल आदत है यानी कि होल नंबर्स है, अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो जो हासिल जमा है, अगर मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि वो सी है, अगर वो भी जबकि ए और बी मुकम्मिल आदाद है, ए और बी मुकम्मिल आदाद है, अगर हासिल जमा भी अगर मुकम्मिल होगा तो हम कहते हैं कि मुकम्मिल आदाद बलिहाज जमा, जमा बलिहाज जमा बंदिशी खासियत रखते हैं। जब तो इसी तरीके से हम इसे तफरीक भी करके देख सकते हैं, अगर दो आदाद मुकम्मिल है अगर हम उनका तफरीक देखते हैं तो जो हासिल हमें यानी कि तफरीक का जो जवाब होगा सी, अगर वो भी मुकम्मिल आदाद अगर होगा तो हम कहेंगे कि जो कि हमने लिया है मुकम्मिल आदाद, तो मुकम्मिल आदाद बलिहाज तफरीक बंदिशी खासियत रखते हैं।
तो अगर ये जो जवाब सी अगर वो मुकम्मिल आएगा तो इसी लिहाज से हम इसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी देख सकते हैं। तो हर प्रॉपर्टी को हम हर अदद के अंदर इन चारों उमूर अरबा यानी कि प्लस माइनस और इनटू और हम डिवीजन के अंदर हम इसे देख सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सिर्फ यहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ खासियत बताऊंगा, मुख्तलिफ आदात को लेते हुए और मुख्तलिफ आमाल को लेते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर ए और बी मुकम्मिल आदाद है, जैसा कि मैंने लिया है 3 + 2, अगर वो जमा करने पर 5 होगा, अगर 3 एक क्या है एक मुकम्मिल आदाद है, 2 भी एक मुकम्मिल आदाद है, तो इसका हासिल जमा भी मुकम्मिल आदाद है। तो आप ऐसे कितने भी मिसालें ले लीजिए तो हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मिल आदाद बालिहाज जमा बंदिशी खासियत रखते हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ बालिहाज तफरीक भी बंदिशी खासियत रखते हैं, यही आदाद लेते हैं हम 3 - 2 वो हो जाएगा 1, बट अगर हम इसको रिवर्स कर लेते हैं 2 - 3 जो कि हो जाएगा -1, तो 2 एक मुकम्मिल आदाद है, 3 एक मुकम्मिल आदाद है, बट जो इसका आंसर आया है तफरीक का जो कि -1 है वो मुकम्मिल आदाद नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये मुकम्मिल आदाद है बलिहाज तफरीक बंदिशी खासियत नहीं रखते हैं। तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि ज़रब और तकसीम के लिहाज से भी इस खासियत की जांच कर सकते हैं। हमने मुकम्मिल आदाद की जांच की है, आप तबाई आदाद की, नातिख आदाद की और सही आदाद की भी इस तरीके से जाँच करते हुए देख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि तखलीबी खासियत। अगर हम मैंने इस इंग्लिश का नाम यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि कम्यूट के माने होते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आया है लफ्ज़ कम्यूट से, कम्यूट के माने होते हैं जगह बदलने के, कम्यूट के माने होते हैं जगह बदलने के। तो मिसाल के तौर पर इस प्रॉपर्टी को हम अगर दो अदद लेते हैं ए और बी, अगर हम जमा करते हैं ए और जमा बी, अगर हम इसकी जगह बदलते हुए यानी कि पहले बी को लेकर बाद में ए को लेते हैं, तो अगर ये दो मसावी होते हैं ए जमा बी मसावी अगर बी जमा ए होता है जहां पर हमने आदाद की जगह बदल दी है, तो अगर ये सादिक होता है या LHS और RHS इक्वल होता है तो जब हम कह सकते हैं कि बलिहाज जमा ये तखलीबी खासियत रखते हैं। तो अब अगर आप ये आदाद मुकम्मिल लेंगे तो यहाँ पर मुकम्मिल आदाद को लेना होगा, अगर आप यहाँ पर सही आदाद के लिए जांचना चाहते हैं तो सही आदाद ए और बी ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर मुकम्मिल आदाद का एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाता हूँ, जैसा कि हमने प्रीवियसली लिया है 2 + 3, तो यहाँ पर अगर हम 2 + 3 देखेंगे तो वो 5 होगा, और अगर हम इसकी जगह बदलते हैं तो वह 3 + 2 वो भी 5 होगा। तो जब LHS और RHS सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मिल आदाद बलिहाज जमा यहाँ पर हमने लिया है बलिहाज जमा वो तखलीबी खासियत रखते हैं। तो सेम मैनर में अगर हम तफरीक के लिए भी देखेंगे तो क्या आता है देखेंगे, चलिए तो 2 - 3 = 3 - 2, क्या ये दो मसावी है, 2 - 3 ये हो जाएगा -1 और 3 - 2 हो जाएगा +1, तो ये दो मसावी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जबकि हमने 2 और 3 क्या लिए हैं मुकम्मिल आदाद, तो मुकम्मिल आदाद बलिहाज तफरीक तखलीबी खासियत नहीं रखते हैं। इस तरीके से आप ज़रब और तकसीम की भी खासियत चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और एक एक प्रॉपर्टी आदाद की जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि तलाजमी खासियत। तो यहाँ पर एसोसिएट के माने जो है वो है ग्रुप के होते हैं, तो यहाँ पर ए जमा बी जमा सी मसावी है ए जमा बी जमा सी, यानी कि हम यहाँ पर ग्रुप की तब्दीली करते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर B+C लिया गया है, और RHS के अंदर हालांकि आदाद सेम है और उनके यानी कि जो ऑपरेशन से बीच में प्लस का साइन वो भी सेम है, बट यहाँ पर चेंज क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर चेंज आया है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर बी जमा सी के अंदर हम यानी ब्रैकेट का यूसेज क्या होता है जब हम इसको प्रोसीड करते हैं यानी कि इसको हल करने के लिए सॉल्व करने के लिए प्रोसीड होते हैं, तो बी जमा सी पहले हम हल करते हैं फिर उसका जो हासिल जमा आता है वो ए में हम ऐड करते हैं, तो इस तरीके से LHS का आंसर आता है। बट RHS का आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर ए जमा बी है तो सबसे पहले ए जमा बी का हासिल जमा देखना होगा, तब उसे हम सी में जमा करेंगे तो हमें आंसर कुछ आएगा। तो जब ये LHS और RHS सेम आएंगे तो हम कहेंगे कि वो जो आदाद हमने लिए हैं चाहे वो मुकम्मिल हो नातिक हो वो बलिहाज जमा तलाजमी खासियत रखते हैं। इसी तरीके से हम तफरीक का निशान लगा कर भी देख सकते हैं कि बलिहाज तफरीक वो तलाजमी खासियत रखते हैं या नहीं।
चलिए चलते हैं अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखता हूँ, आप देखिए इसको, ए जमा जीरो वो हो जाएगा ए, और यहाँ पर ए ज़रब एक मसावी हो जाएगा ए, यानी कि ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि ये जमाई इकाई है, और यहाँ ये ए को हम एक से ज़रब देने पर ए आया है। किसी भी अदद में अगर ज़ीरो जमा किया जाता है तो वही अदद हासिल होता है, इसी तरीके से किसी भी अदद को एक से ज़रब दिया जाता है तो वो खुद अदद हमें हासिल होता है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। तो यही इसे ही हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी कि इकाई की खसूसियत कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन हमें आएंगे, तो यहाँ पर एडिशन के अंदर जमाई इकाई का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और यहाँ पर ज़रब के अंदर ज़रबी इकाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस अदद को हम जमा करने पर वो खुद अदद आ जाएगा, तो उसका आंसर होगा ज़ीरो। तो इसीलिए ज़ीरो को जमाई इकाई कहते हैं, क्योंकि ज़ीरो को हम किसी भी नंबर में अगर ऐड करेंगे तो वो खुद नंबर हासिल हो जाएगा, जैसा कि 2+0 2, 5+0 5, 10+0 10 है। तो इसीलिए ज़ीरो को जो है सो जमाई इकाई कहते हैं, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से कोई भी अदद को हम एक से ज़रब देते हैं तो वो खुद अदद हासिल हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो है वो ज़रबी इकाई कहलाती है, क्योंकि इसके ज़रब देने से कोई भी अदद वो खुद हासिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर दो को अगर हम एक से ज़रब देंगे तो दो हासिल हो जाएगा, दस को अगर एक से ज़रब देंगे तो वह दस हासिल हो जाएगा, इसके लिए ज़रबी इकाई हो जाती है एक। तो ये दो टर्म्स हमने देख लिए है। अब और एक दो टर्म्स मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो कि बिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होता है जमाई माकूस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स, और एक एक होता है ज़रबी माकूस, ज़रबी माकूस जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जैसा कि आपने जमाई इकाई ज़ीरो है, ज़रबी इकाई एक है, तो इसी के साथ साथ जमाई माकूस क्या होता है? जमाई माकूस वो अदद होता है जिसको दिए गए अदद में जमा करने पर सिफर आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर चार लेता हूँ, चार के अंदर हम क्या जमा करेंगे जबकि हासिल जमा सिफर आ जाए? तो यहाँ पर हम चार के अंदर क्या जमा करना चाहिए? -4 अगर हम जमा करेंगे तो 4-4 वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि चार का जमाई माकूस -4 है। इसी के निस्बत से अगर हम -2 में क्या जमा करेंगे तब वो ज़ीरो आ जाएगा। -2 में हम अगर +2 जमा करेंगे तो जब वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसीलिए -2 का जमाई माकूस 2 होता है। तो इसे हम इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स यानी कि शॉर्ट में अगर आपको सीखना है तो कैसे बनाया जाता है, जो भी दिया गया अदद है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कसर के अंदर हम देखेंगे 1/2 का जमाई माकूस क्या है, वो हो जाएगा -1/2। -4/5 का जमाई माकूस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +4/5। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जमाई इकाई सिफर होता है, बट जमाई माकूस एक ऐसा अदद होता है जिसको शामिल करने पर वो अदद यानी कि जो हासिल जमा है वो ज़ीरो हो जाता है। तो शॉर्ट में हम समझने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, जमाई माकूस बनाने के लिए सिर्फ जो अदद दिया गया है उसका साइंस चेंज करते हैं। जैसा कि यहाँ 4 है तो इसका जमाई माकूस -4 आ गया, और यहाँ पर -2 है तो इसका जमाई माकूस 2 आ गया, और अगर यहाँ पर 1/2 कसर में है तो इसका जमाई माकूस -1/2 आ गया। तो इस तरीके से अगर जमाई माकूस अगर पूछा जाए तो हम दिए गए अदद का सिर्फ साइन चेंज करते हैं। चलिए चलते हैं कि अब ज़रबी माकूस क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अदद दिया गया है 2, अगर हमें इससे कोई अदद को से ज़रब देना है ताकि इसका हासिल ज़रब 1 हो जाए, इससे कोई किसी अदद को ज़रब देना है ताकि इसका हासिल ज़रब 1 हो जाए, वही इसका ज़रबी माकूस कहलाता है। तो 2 में हम किसको ज़रब देने पर 1 आ जाएगा, तो इसके लिए ज़रबी माकूस बनाते हैं हम 1/2, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाता है जब हमें 1 हासिल हो जाता है। तो ज़रबी माकूस कैसा बनाया जाता है किसी भी अदद का? अगर दिया गया अदद 2/1 है
तो हम उसका यानी कि जो शुमार कुनिंदा है वो नसब नुमा बना देंगे, जो नसब नुमा है वो शुमार कुनिंदा बना देंगे। इसके ताल्लुक से मैं फ्रैक्शंस में और आपको डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ अब याद रख लीजिए कि जो यानी कि फ्रैक्शंस कसर में ऊपर का दत शुमार कुनिंदा और नीचे का नसब नुमा कहलाता है। तो यहाँ पर 2/1 था, इसका ज़रबी माकूस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है। इस तरीके से अगर आपको -3 का ज़रबी माकूस देखना है तो वो क्या हो जाएगा, जैसा कि ये -3/1 है तो इसका ज़रबी माकूस क्या हो जाएगा, माइनस तो साथ में लिखना होगा, वो होगा -1/3। तो इसी के साथ साथ अगर हम 4/5 लेते हैं तो अगर इसका ज़रबी माकूस क्या हो जाएगा, इसका ज़रबी माकूस हो जाएगा 5/4। तो याद रखिए कि जमाई माकूस के अंदर हम दिए गए नंबर का सिर्फ साइन चेंज करते हैं और ज़रबी माकूस बनाते वक्त हम आदात को यानी कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को हम बदल लेते हैं या इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ज़रबी माकूस हासिल हो जाता है। तो ये चार जो टर्म्स है, जमाई इकाई है, जमाई माकूस है, ज़रबी इकाई है, ज़रबी माकूस है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूज़ मत होइए, जमाई इकाई तो फिक्स्ड है, वो तो ज़ीरो होगा, और ज़रबी इकाई 1 है, वो भी फिक्स्ड होगा। मगर यहां पर जमाई माकूस देखते वक्त हम यहां पर थोड़े से चेंजेस होते हैं कि अगर जो दिया गया आदद है उसका जमाई माकूस अगर हमें निकालना है तो हम उसको माइनस के साथ लिख लेते हैं, और अगर दिए गए आदद का ज़रबी माकूस अगर हमें निकालना है या इनवर्स उसका निकालना है तो हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि शुमार कुनिंदा नसब नुमा में हो जाएगा, नसब नुमा शुमार कुनिंदा में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ज़रबी माकूस बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि तकसीमी खासियत। तो यहाँ पर हम दो ऑपरेशंस को इंक्लूड करते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो यहाँ पर a इंटू अगर b प्लस सी अगर हम लिखते हैं तो ये हमने अलजिब्रा में इसको बहुत सारी बार यूज़ किया है, जैसा कि अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या करते हैं, a से b को ज़रब देते हैं, फिर a से c को ज़रब देते हैं और बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। तो ये तो हमने सिंप्लीफिकेशन में यूज़ किया है, बट हमें मालूम नहीं था कि यही तकसीमी खासियत है। तो अगर a इंटू b प्लस सी अगर होगा तो a इंटू b प्लस a इंटू c होगा, ये अकॉर्डिंग टू इंटू और प्लस है। इसी का अगर आप इंटू और माइनस लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर डिवीजन और प्लस और डिवीजन और माइनस लगाकर भी इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं कि ये मुकम्मिल आदाद यानी कि मुकम्मिल आदाद ये खासियत रखती है या नहीं, और दिगर आदाद भी ये खासियत रखते हैं या नहीं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। इसके ताल्लुक से कुछ सवाल जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गए, वो आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।